बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम बना रहे हैं एक टर्किश डिश है, वो इसको कहते हैं हसन पाशा। ये हमारे कोफ्तों से मिलती जुलती है, लेकिन कोफ्ते की शेप में नहीं होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और वो ज़्यादा वो चिल्लीज़ वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका फूड ज़रा ब्लेंड सा ही होता है, फीका फीका। लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली यूज़ करूँगी। तो अगर प्रॉपर आपने टर्किश कुजीन बनाना हो तो आप वो नहीं डालें ग्रीन चिल्ली। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये कोई 600 ग्राम कीमा है, लैम्ब का कीमा है। ये एक बड़ा ऑनियन है, चार चिल्लीज़ मैंने ली हैं ग्रीन चिल्लीज़, जो अगर आप ना डालना चाहें तो आप ना डालें। एक अंडा है, ये तीन ब्रेड हैं जो मैंने थोड़ी सी गीली कर ली हैं, सोख कर ली हैं। और ये एक टीस्पून नमक है, एक टीस्पून काली मिर्च है, और ये कोई दो टेबलस्पून बेसन है जो मैंने रोस्ट कर लिया है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये ऑप्शनल है, ये अगर ज़रूरत होगी तो फिर डालना है। अगर वो बनाने में उनको शेप करने में अगर डिफ़िकल्टी हो, उसमें थोड़ा सा लिक्विड हो, तो फिर दो टेबलस्पून ये एक या दो टेबलस्पून हम डाल लेंगे, नहीं तो अगर नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं डालेंगे। तो ये सारी मैं ब्लेंड कर लूँगी, ये ऑनियन चॉप कर लूँ, ऑनियन ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में डाल के, और चिल्लीज़ भी और ब्रेड भी, तो फिर सारी चीज़ें मिक्स करके तो फिर इनको शेप करेंगे। तो अगर आपके पास है ब्लेंडर जिसमें आप कीमा भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो आप कीमा भी साथ ही ब्लेंड कर लें, तो सारा कुछ वो एक जगह पे सारा कुछ ब्लेंड हो जाएगा। तो मैं फिर आपको अभी अपना दूसरा इंग्रेडिएंट बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पोटैटो प्यूरी जो ऊपर करेंगे हम, उसको उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कोई थोड़े से पोटैटोज़ हैं जो मैं बॉईल करके इनको मैं मैश कर लूँगी। और ये वन चौथाई कप दूध है, ये दो टेबलस्पून बटर है, और थोड़ा थोड़ा काली मिर्च और नमक है, अपने टेस्ट के हिसाब से आपने जितना डालना है डालें। तो ये मैश करके, तो ये सारी चीज़ें मैं मैश में डाल के, तो उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसकी मैश प्यूरी बना लूँगी। तो मैं अब आपको ग्रेवी के इंग्रेडिएंट बताती हूँ। जी, ये मेरे ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स हैं। वो टर्किश कुजीन में तो उन्होंने तो सिर्फ ऑयल में टमाटो प्यूरी बस पका के थोड़ी सी, तो वो बस वही उनकी ग्रेवी होती है, वो दूसरी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते, ज़्यादा टमाटो डालते हैं। लेकिन हम अपना पाकिस्तानी टेस्ट देंगे इसको थोड़ा सा, जैसे हम अपने अब चाइनीज़ फूड को भी अपना पाकिस्तानी टेस्ट देते हैं। हम स्पाइसी फूड के बगैर रह नहीं सकते हैं, हम ज़्यादा फीका नहीं खा सकते, तो इसलिए थोड़ा सा हम पाकिस्तानी टेस्ट देंगे। तो ये मैंने एक कप कैन लिया है टमाटो, आप फ्रेश टमाटो लेके भी उनको एक कप टमाटो ले सकते हैं। ये आधा कप दही है, ये तकरीबन दो मीडियम ओनियन थे जिनको मैंने फ्राई करके, और चार ग्रीन चिल्ली थी, मैंने ओनियन को पेस्ट कर लिया और उसमें चिल्ली को भी पेस्ट कर दी है। ये एक क्यूब है गार्लिक और जिंजर, ये एक टीस्पून नमक है, एक टीस्पून काली मिर्च है, एक टीस्पून सुरह मिर्ची है, और ये एक टीस्पून ज़ीरा है। तो इससे हम ग्रेवी बनाएंगे। और ये मैंने अपना कीमा भी मिक्स कर लिया, सारा कुछ ब्लेंड करके तो उसमें मिक्स कर दिया, जिससे मैं अभी इसके हसन पाशा की शेप्स दूंगी। ये मैंने देखे बना ली हैं, अभी मैं आपके सामने भी बनाती हूँ एक दो, तो आपको पता चल जाएगा कैसे बनाए हैं। ये मैंने मैश अपना कर लिया, इसमें सारा मिक्स कर दिया था सीजनिंग और दूध और बटर। अब इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल के तो बाद में इस्तेमाल करूँगी, इसको मैं एक तरफ रखती हूँ। तो ये मैं बताती हूँ, बस हाथ गीले करके थोड़े थोड़ा पानी हाथों को लगा के, तो ये पकड़ के इसको अच्छी तरह बोल बनाना है। पहले इसका एक अच्छी तरह बोल, राउंड गोल बना के, ये देखें, अच्छी तरह इसको बोल बना लें राउंड, और फिर इसको ऐसे उंगली के साथ ना इसके अंदर इसकी गड़बी इसकी कड़ बना लेनी है, कटोरी सी बना लेनी है, एक कटोरी बना लेनी है ऐसे।
ये मैं पहली दफ़ा ही बना रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखी है टर्किश कुजीन की, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग गया ये रेसिपी, तो मैंने कहा मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से सही बने। अभी तक तो ठीक ही लग रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये सही बन जाएगी, तो आपको भी इंशाल्लाह ताला पसंद आए और आप भी बनाइएगा। चलें ये हो गया, ये देखें अब एक और बना के आपको दिखाती हूँ, ये लास्ट वन। अच्छी तरह बस गीले हाथ करके, हाथ अच्छी तरह गीले करने हैं ताकि ये अच्छी तरह जुड़ जाए, खुले ना। और इसका अच्छी तरह पहले बॉल बनाना है, राउंड बॉल बना के ये देखे राउंड बॉल बन गया ना सारा, जुड़ कहीं से खुला ना हो, बस राउंड गोल गोल सा बॉल हो और कहीं से इसका जोड़ ना खुला, और बस अंदर इसके ऐसे उंगली डाल के ऐसे, तो इसको बस इसकी कटोरी बना लेनी है। इसमें हम बाद में पाइपिंग बैग से इसमें मैश मैश की प्यूरी जो है वो इसमें भरेंगे। पहले इसको अभी हमने अब हमने इसको 200 डिग्री पे ओवन गर्म करके, ओवन को प्री हीट करना है पहले 200 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे, और फिर इसको 15 मिनट इसको पहले ऐसे ही पहले इनको बेक करना है 15 मिनट तक, आधा आधा बेक करना है और फिर वो मैश डाल के तो फिर बाकी आधा इसको बेक करेंगे। तो मैं ओवन ऑन करती हूँ ये करके, तो फिर इनको ओवन में डालते हैं। ओवन ऑन ओवन गर्म होगा तो फिर मैं ओवन में रख दूँगी ये, और फिर हम अपनी ग्रेवी बनाते हैं। चलें जी ये देखें हमारे रेडी हो गए हैं, तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तेल गरम करके वही तेल जिसमें मैंने अपने ओनियन फ्राई किए थे, तो उसमें अब मैंने अपने टमाटो डाल दिए हैं, तो इनको थोड़ी देर में कवर करके, ये गरम होता है ज़रा बॉयल आता है तो इसको फिर मैं कवर कर दूँगी। गार्लिक भी डाल देती हूँ मैं, तो टमाटो को पकने देते हैं, तो टमाटो थोड़े से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी खुशक हो जाएगा, तो फिर ये तेल जो है ये भी साइडें छोड़ देगा। तो ये बस शुरू हो रहा है बॉयल आना शुरू हो रहा है इसको, तो इसको फिर मैं बंद कर दूँ कवर कर दूँगी ऊपर लिड करके, तो इसको पकाते हैं ताकि ये टमाटो जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, पानी खुशक हो जाए। चलें अब चलें जी चेक करते हैं इसको। ये बस ऑयल ने अपना साइडें छोड़नी शुरू कर दी हैं, हम अब इन टमाटोज को क्रश करते हैं साइडों पे कर कर के ऐसे, ये सॉफ्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये देखें हमारी प्यूरी बन गई हुई है, अब हम इसमें डालते हैं अपनी सारे स्पाइसेस, ये सारे स्पाइसेस डाल दी, ये सीजनिंग डाल दी सारी। अब हम इसमें डालते हैं ये जो ओनियन पेस्ट करके रखी हुई थी, चली गई, इसको मिक्स करें थोड़ा सा। और फिर इसमें हम अपना योगर्ट डाल के ये जो है तो बस इसको थोड़ा सा भून के, तो बस इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह पानी इसका खुशक हो जाए और ये अपनी साइडें छोड़ देगा।
इसको अब भून के थोड़ा सा, तो इसको हम बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं और इसको थोड़ी देर 5 मिनट दम पे पकाएंगे। तो फिर ये अपनी साइडें छोड़ देगा और ये मसाला भुन जाएगा फिर हमारा। चलिए बस इसको हम कर देते हैं बंद, कवर कर देते हैं और इसको दम पे रख देते हैं। चलो ये चेक करते हैं इसको, ये हो गया हमारा मसाला हो गया रेडी। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के, तो रिक्वायर जितना मुझे चाहिए है ग्रेवी, मैं उतना ग्रेवी बना लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, मटर किश तो वो तो सिर्फ टमाटो प्यूरी को ऑयल में करके और उसका ग्रेवी बना लेते हैं, तो वो फीका सा ही होता है नमक और काली मिर्च डाल के। तो हम ज़रा थोड़ा सा अपने हिसाब से ग्रेवी बनाते हैं, क्योंकि वो हाली टमाटो का हमें वो फ्लेवर नहीं आता जो पूरी ग्रेवी का हमारी होता है। बस इसको अब 5 मिनट दम पे रखते हैं ग्रेवी को, ग्रेवी बना के। तो ये 5 मिनट मैं दम पे रखूँगी, तो बस ये हमारी ग्रेवी रेडी है। अब मैं इसको 5 मिनट दम पे रखती हूँ। ये मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है मैश को। अब इसको मैंने शुरू किया इसको टॉपिंग करनी, तो ये टॉपिंग करके तो फिर इसको 10 से 15 मिनट फिर ओवन में रखेंगे। इस पर अभी ग्रेवी डालती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ अभी ग्रेवी डाल के। ये ग्रेवी ऊपर थोड़ी थोड़ी डालते हैं, तो फिर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको ओवन में फिर रखेंगे, तो फिर ये रेडी हो जाएगा। चलिए जी बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये रेडी है अब। तो ये मेरी पहली, मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको बनाया है। मैंने एक टर्किश कुजीन की वीडियो देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, तो माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट भी अच्छा ही निकला है। तो अब आप भी बनाइएगा तो फिर बताइएगा आपको कैसा लगा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।